गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल ब्रेकिंग कोड, जहां पे हमारी ये कोशिश है कि हम भारत के उन सारे स्टूडेंट्स को सफिशिएंट नॉलेज और स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके जो कि एमएनसीज, मैन्युफैक्चरिंग या आईटी कंपनी में जाने के लिए और वहां पे काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इन स्किल्स को आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी बड़े कॉलेज से सीख सकते हैं, लेकिन क्या ये सबके लिए अफोर्डेबल है? आई एम नॉट श्योर। इसीलिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया है। आप भी हमारी इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन डाउन एट द बॉटम एंड बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू मैक्सिमम पीपल एज मच एज पॉसिबल। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है VOC, यानी कि वॉइस ऑफ कस्टमर। क्या होता है ये वॉइस ऑफ कस्टमर, इसका क्या यूज होता है हमारे डे टू डे प्रोफेशनल एनवायरमेंट में, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस ऑफ कस्टमर। वॉइस ऑफ कस्टमर यानी कि कस्टमर की आवाज। कस्टमर की आवाज का हमारे बिजनेस पे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे सर्विसेज पे क्या असर होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है आपके एनालिसिस के लिए, इसको आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, एजेंडा की अगर मैं बात करूं आज के वीडियो में, तो हमारा एजेंडा है वॉइस ऑफ कस्टमर को समझना, बेनिफिट समझना वॉइस ऑफ कस्टमर प्रोग्राम के, वॉइस ऑफ कस्टमर किस तरह से कैप्चर किया जाता है, कैसे उसको आप रिकॉर्ड करते हैं आपके एनालिसिस के लिए, इसको समझना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझना कि वॉइस ऑफ कस्टमर को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके प्रोडक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ कस्टमर की अगर हम बात करें तो वॉइस ऑफ कस्टमर एक इस तरह की सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये जानने के लिए कि हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के बारे में क्या विचार रखता है, क्या कहना चाहता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कस्टमर जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज का सेंटर होता है, यानी कि आप जो भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर बना रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, वॉइस ऑफ कस्टमर यानी कि कस्टमर विल ऑलवेज रिमेन द सेंटर ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कस्टमर जो है वो सेंटर पे नहीं है, देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। दोस्तों, वॉइस ऑफ कस्टमर को करने का पर्पस ये होता है ताकि हम ये समझ सकें कि हम जो कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके बारे में क्या विचार रखता है, और ये जानना इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज का एनवायरनमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है कि मार्केट में इतने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं कि कब कोई आपके कस्टमर को एक्वायर कर लेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए वॉइस ऑफ कस्टमर का अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, मैं बात करूं अगर बेनिफिट्स ऑफ वॉइस ऑफ कस्टमर, तो वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम आपको गिना सकते हैं, लेकिन अगर कुछ टॉप बेनिफिट्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली बेटर प्रोडक्ट एंड बेटर सर्विसेज, यानी कि अगर आप अपने कस्टमर के वॉइस को कैप्चर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को दिन प्रतिदिन बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से खुश नहीं है और आप उसके सर्वे के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, तो आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिटेंशन यानी कि कस्टमर को बनाए रखने के लिए आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ, और ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा कॉम्पिटिटर हमारे कस्टमर को एक्वायर ना कर ले, ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपकी कस्टमर के साथ साथ ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट को भी सुधारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय आपके कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, और अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से खुश है तो आपका एम्प्लॉय भी इस प्रोडक्ट और इस सर्विसेज को देने में कस्टमर के साथ काफी अच्छा फील करता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी अच्छे से एंगेज रहता है। दोस्तों, अगर हम सब जानते हैं कस्टमर अगर खुश है तो एंड ऑफ द डे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, बिकॉज सारी प्रोडक्ट सारी सर्विसेज का सेंटर कस्टमर है। इस कस्टमर के एनालिसिस को परफॉर्म करना इसलिए बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि हमारा सारा बिजनेस रेवेन्यू पे टिका है। अगर हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं तो हमें कस्टमर के इमोशंस को समझना और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को इम्प्रोवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं बात करूं अगर कस्टमर
वॉइस को कैप्चर करने की, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि कोई कंपनी इनमें से कोई एक मीडियम को चूज करे वॉइस ऑफ कस्टमर कैप्चर करने के लिए, या फिर वो इनका एक मिक्स बैग प्लेटफॉर्म भी यूटिलाइज कर सकती है। दोस्तों, मॉनिटरिंग कस्टमर परसेप्शन, यानी कि हम कस्टमर से जाके पूछते हैं कि आप बताइए हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपकी क्या राय है। इस तरह के वॉइस ऑफ कस्टमर कैप्चर करने के लिए हम लोग अलग अलग सर्वे यूटिलाइज करते हैं और कई बार हम कम्युनिकेशन भी रिलीज करते हैं। ये इस तरह के मीडियम्स हैं जहाँ पे हम कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस के बेस पे कस्टमर का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा मीडियम है आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज के बारे में आपके कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए। व्हेन वी से दैट वी लिसन टू अवर कस्टमर, यहाँ पे हमारा मतलब है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को मॉनिटर करना। हम सब ने कभी ना कभी कॉन्टैक्ट सेंटर्स में कॉल किया होगा, चाहे वो आपके फोन या ब्रॉडबैंड के बिल्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सर्विसेज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग में कॉल किया हो। किसी भी तरह के कॉल को जब आप कॉन्टैक्ट सेंटर्स में करते हैं, ये सारी कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं। रिकॉर्डिंग करने का इवेंचुअली पर्पज ये होता है ताकि उस पूरी कॉल को एनालाइज किया जा सके और ये जाना जा सके कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विसेज के बारे में क्या कहना चाहता है। इस तरह के मीडियम को भी हम यूज करते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर कैप्चर करने के लिए। दोस्तों, थर्ड जो तरीका है, दैट इज व्हेन कस्टमर डायरेक्टली कम एंड टेल अस। हम सब ने आई एम श्योर कभी ना कभी कंप्लेन्स करी होगी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में। इस तरह के कॉल्स पे जब हम अपना वेंट आउट करते हैं इमोशंस अपने कॉन्टैक्ट सेंटर्स पे या फिर कॉन्टैक्ट सेंटर्स के एग्जीक्यूटिव पे, वहां पे भी जो टीम होती है क्वालिटी की, उसका काम ये होता है कि इन तरह की हार्ड कॉल को भी एनालाइज किया जा सके और ये जाना जा सके कि क्या रीजन है एग्जैक्टली कस्टमर के डिससेटिस्फाई होने का और उसको सुधारा जा सके। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे मीडियम है अगर हम इनको पॉजिटिवली ले और फीडबैक की तरह इनको यूटिलाइज करें अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि एक केस स्टडी के साथ हम ये समझेंगे कि वॉइस ऑफ कस्टमर को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है, तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे वॉइस ऑफ कस्टमर यूज की जाती है। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या आईटी के लिए है। दोस्तों, आप किसी भी जगह पे इस वॉइस ऑफ कस्टमर के सिद्धांत को यूज कर सकते हैं, चाहे आप फार्मा से जुड़े हों, चाहे आप कंज्यूमेबल गुड से जुड़े हों, बैंकिंग से हो, किसी भी सेक्टर से जुड़े हों। आज इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे जो कि है बैंकिंग से रिलेटेड, तो आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो केस स्टडी दी गई है दोस्तों, वो एक बैंकिंग सेक्टर की है। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग के एक बैंक के बारे में बताया गया है, जहाँ पे ऑब्वियसली बैंकिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अलग अलग बैंक्स कस्टमर बेस एक्वायर करना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव या बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव फीचर्स प्रोवाइड करे जा रहे थे कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट के अंदर, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग हो, चाहे वो फास्ट लोन सर्विसेज हो। इस वजह से जो बैंक हमारा कस्टमर का बैंक है जो, वो चर्न रेट उसका बहुत ज्यादा हाई था, यानी कि कस्टमर रिटेंशन लोअर था। इस तरह के केस में जो बैंकिंग का क्यूए सिस्टम था या जो बैंकिंग का सिक्स सिग्मा डिपार्टमेंट था, उन्होंने एक प्रोग्राम रन किया और सबसे पहले अपने कस्टमर के फीडबैक्स कलेक्ट करने शुरू किए। कस्टमर का फीडबैक, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा है, किसी भी तरीके से कैप्चर किया जा सकता है, चाहे वो सर्वे के अनुसार हो, चाहे वो कस्टमर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इमोशंस या उनके ट्वीट्स को एनालाइज करना हो, चाहे वो उनकी कंप्लेन कॉल्स को एनालाइज करना हो, किसी भी मीडियम से फीडबैक कलेक्ट किया जा सकता है। सेम इसी सिचुएशन में बैंक ने अपने कस्टमर बेस के फीडबैक्स को कलेक्ट करना शुरू किया और जानना शुरू किया कि कस्टमर डिससेटिस्फाई क्यों है हमारे बैंकिंग सिस्टम से और ऐसा क्या है जो कि हमारे कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में लैग कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को लगभग आप समझिए 90 डेज तक रन किया गया और जो कस्टमर के ट्वीट्स थे सोशल मीडिया पे उनको भी एनालाइज किया गया, यानी लैक्सिकॉन्स को एनालाइज किया गया ये जानने के लिए कि कस्टमर का सेंटिमेंट क्या कहता है। दोस्तों, सेंटिमेंट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आने वाले वीडियोस में हम इसको जरूर कवर करेंगे। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस ऑब्वियसली आपको क्लासरूम्स में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सब प्रोवाइड हो रहा है। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो से आप भी इसका फायदा उठाएं। दोस्तों, सेंटिमेंट एनालिसिस भी इस बैंक के द्वारा परफॉर्म किया गया और जो रिजल्ट्स आए उनको एनालाइज करके ये जाना गया
कि हमें किन एरियाज पे काम करना है। करेक्टिव एक्शंस हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कवर किया था फ्रेंड्स, आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में बात करी हुई है। उस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह के एक्शंस प्लान बनाए जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे बैंक ने करेक्टिव एक्शंस परफॉर्म किए और नो वंडर्स धीरे धीरे हमारे कस्टमर का जो बेस था वो दोबारा बढ़ने लगा और उसकी ब्रांड वैल्यू और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वॉइस ऑफ कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, अपने आप में एक पूरा सिद्धांत है, और इसको प्रॉपरली अगर यूटिलाइज किया जा सके तो विदाउट यू नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई वुड से यू कैन यूटिलाइज द ओन डेटा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और उसको आप एनालाइज करके आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को बेटर कर सकते हैं।